इंदौर के नारकोटिक्स विंग ने धार जिले में गांजे की खेती का पर्दाफाश किया है। नारकोटिक्स की टीम ने किसान के खेत पर छापा मार कार्रवाई कर मौके से 2 क्विंटल गांजे के पौधे बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि नारकोटिक्स विंग के मुखबिर से सूचना मिली थी कि धार जिले के बाईखेड़ा के किसान ने खेत में कपास की फसल के साथ 2 क्विंटल से ज़्यादा गांजे के पौधे लगाए हैं। सूचना मिलने पर इंदौर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने छापा मारकर करीब 2 क्विंटल गांजा जब्त किया और पूरे खेत को सील कर दिया है। इतने बड़े खेत में गांजा की खेती देखकर अफसर भी हैरान रह गए। नारकोटिक्स विभाग के SP ने बताया कि 4 बीघा के एक खेत में गांजे के 60 से ज़्यादा पौधे लगे हुए थे, जिसकी कीमत 20 लाख से ज़्यादा है। खेत का मालिक नामसी छापामार कार्रवाई की जानकारी लगते ही फरार हो गया है। अभिजीत सिंह और दीपक सिंह के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। सर, नारकोटिक्स से कोई कार्रवाई की गई है? कहाँ का मामला और कितनी तादाद में पकड़ी है? नारकोटिक्स विंग इंदौर द्वारा कार्रवाई की गई है। ये ग्राम बाईखेड़ा है, जिला धार में। वहाँ नान सिंह के खेत से 2 क्विंटल के करीब पौधे गांजे के जब्त किए गए हैं और उसमें NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की गई। सर, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें क्या होंगी सर? लगभग 20 लाख के आसपास होना चाहिए इसकी कीमत। सर, पूछताछ भी क्या सामने आया आरोपी से? अभी आरोपी मिला नहीं है, क्योंकि उसके खेत से मिला है तो आरोपी की हम तलाश कर रहे हैं। जैसे ही आरोपी मिलेगा फिर उससे आगे हम पूछताछ करेंगे। सर, खेत कितना बड़ा था ये और कितने लोग काम कर रहे थे उसके अंदर? नहीं, जब गई थी टीम तब तो कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन कपास का खेत है ये और उस खेत में से ये जब्त किए गए हैं। क्या क्या जब्त किया सर? पौधे जब्त किए हैं ये गांजे के पौधे। कितनी तादाद में होंगे सर? ये करीब 60 के करीब पौधे हैं और वजन इनका 2 क्विंटल के आसपास है, 200 किलो। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? NDPS एक्ट के तहत प्रोग्राम पंजीबद्ध किया गया है और उसमें विवेचना कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।